Assalamu alaikum ji, welcome back to Desi Mom UK. Today I'm going to show you how I curl my hair salon style without any hair styling spray or anything. Just we need a straightener with the thin plates. That's it. That's all we need. Let's start curling our hair. So first thing we're going to do is अपने अपने बाल जो हैं वो एक रात पहले वॉश कर लेने हैं. उस दिन वॉश करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा सिल्की होंगे. एक रात पहले अपने बाल वॉश करके ड्राई कर लेने हैं. The next day, first thing we're gonna do is straight our hairs. Let's start to straight our hairs. Make sure your hairs are not wet, वरना आपके बाल जो हैं वो खराब हो जाएंगे. I'm nearly done. I'm just straightening from the top part basically कि जो बाल जो हैं वो आपके फूले फूले नहीं लगेंगे. So that's it. I've straightened my hair as you can see कि बाल जो हैं वो आपके फूले फूले नहीं लगे. ये वाला पार्ट जो होता है जब आप नहाते हैं उसके बाद रात को सो जाते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो आपका फूल जाता है. सो इसलिए आप लोगों ने बाल पहले स्ट्रेट कर लेने हैं. ओके, आई एम गोना डू अ टू पार्टिंग्स. दोनों साइड से मैंने पार्ट कर लिए हैं बाल. जिस साइड पर भी आप अपनी साइड रखना चाहते हैं या दरमियान रखना चाहते हैं वो कर लें. अब मैं आपको दिखाऊंगी जी कर्ल कैसे करना है. आई एम गोना टेक लिटिल सेक्शंस. फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस. Okay, so I'm taking this section. Take your straightener. First, take it down. On half of the part, you're gonna turn it on the outward ways because I like outward curls. So outward ways we're gonna do. नीचे जाके सबसे end पे आप लोगों ने इसे 2 से 3 seconds के लिए रहने देना है, and then you're gonna leave it. You can see. The curls. Here is my curls. इसी तरह से बाकी parts भी करते हैं. I show you 2-3 parts ताकि आपको पता चल जाए कैसे करने हैं. Don't take too big sections or too small sections. Then use my comb. So I'm taking the next section. Okay, so take this section. स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप एंड पे जाके आउटवर्ड साइड पे इस तरह करके लेके आना है. बिल्कुल एंड पे जाके 2 से 3 seconds के लिए इसको इस तरह करना है, एंड देन लीव इट. हियर यू गो. आप देख सकते हैं, और ये कर्ल्स आपके 2 से 3 दिन कहीं भी नहीं हिलेंगे विदाउट अ हेयर स्टाइलिंग स्प्रे. एंड मेरे बाल जो हैं वो बहुत सिल्की हैं. अगर मेरे बालों में स्टे कर लेते हैं तो आपके बालों में तो ज़रूर स्टे कर लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि बाल खुल जाते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है. दे विल नेवर ओपन. ये देखें जी, अब मैं आपको थर्ड सेक्शन दिखा रही हूँ. इसी तरह आपने बाहर की तरफ लेके जाना है, एंड एंड पे जाके 3 से 4 seconds के लिए डू दिस एंड देन लीव इट. ये देखें जी, you can see these curls. You don't need a color for it, you don't need anything, you just need a comb and a hair straightener. That's the only things you need. Okay ji, this is the last section from this side I'm going to show, aur baki jo hai wo main karke fir aap log ko dikhaungi, aur fir main aapko dusri side dikhaungi. Ye dekhen ji, go down. 1, 2, 3, 4, 5. Leave it. ये देखें जी. अगर आप चाहते हैं ऊपर तक कर्ल आए तो ऊपर से, ज्यादा ऊपर से आप लोगों ने उसको आउटवर्ड, ये देखें इस तरह एक हाथ में पकड़ा है ना, तो बस इसको इस तरह आउटवर्ड की तरफ टर्न करके लेते हैं. आने नीचे आके 2 से 3 सेकंड के लिए इस तरह करना है, एंड देन लीव इट. ये देखें जी, यू कैन सी दीज गर्ल्स. I don't like it from too high. मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ नीचे नीचे, तो मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ. आप चाहते हैं ऊपर से करना तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं. अब जल्दी से मैं दूसरे करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ.
Okay, G, so you can see I've done my one side. मैं कभी भी अपनी ये वाली जो फ्रिंज टाइप होती है ये कर्ल नहीं करती. सो ये आपके मुंह पे आती है, ये वाला पार्ट इतना सा छोड़ देना है, बाकी सारे बाल आप लोगों ने आउटवर्ड साइड पे जैसे मैंने बताया है वैसे कर्ल कर लेने. यू कैन सी ऑल द कर्ल्स, जैसे मर्जी हिलाएं करें, ये देखें इन नेवर गोना ओपन. ये देखें, यू कैन सी द कर्ल्स. अब चलें जी हम अपनी दूसरी साइड कर्ल करते हैं. सो दूसरी साइड के लिए पहले हम थोड़ा सा कॉम कर लें, इसकी हम पार्टिंग कर लेते हैं. एंड से स्टार्ट करना है और फिर आगे की तरफ आना है. ये देख, अच्छा जी, अब इसके लिए आप लोग ने आउटवर्ड करने के लिए हमें, ओके जी, सो इसको आउटवर्ड करने के लिए ये देखें आप लोगों ने इस हाथ में पकड़ना है, स्ट्रेट, देन कर्ल, एंड देन 1, 2, 3, 4, एंड इट्स डन. ये देखें जी, दैट्स इट. इसी तरह ये वाले पार्ट भी कर कर लेना. लेट्स डू दीज ऑल. दो तीन और करके दिखाती हूँ. इसी तरह जी बाकी बाल भी आप लोगों ने कर्ल कर लेने. आई होप यू कैन सी प्रॉपरली. देखिए जी, सेक्शन ले लेके स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप नीचे आके आउटवर्ड साइड को कर्ल्स करने हैं. 1, 2, 3, 4, दैट्स इट. ये देखें जी, इसी तरह मैं अपने बाकी के सारे कर्ल्स करती हूँ और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ. ओके जी, सो आई एम डन डूइंग इट. सी ये साइड एंड यू कैन सी दिस साइड. दीज आर द आउटवर्ड कर्ल्स जिनके हम पैसे दे के बाहर से करवा के आते हैं. एंड दे आर सो इजी टू डू एट होम. यू कैन डू एनी टाइम एट होम. ये देखें, यू कैन सी प्रॉपरली. ओके जी, सो दीज आर द कर्ल्स. ये देखें, ये साइड मैंने आपको दिखा दी थी. एंड दिस इज द अदर साइड, यू कैन सी प्रॉपरली. दीज आर द ऑल कर्ल्स. यही कर्ल्स हम बाहर पैसे दे के करवा के आते हैं. एंड यू कैन सी, आई शो यू फ्रॉम द बैक एज वेल. ये देखें जी, दैट्स हाउ यू डू इट. सो इजी टू डू एट होम. बस कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपके बाल वेट नहीं हो. एक दिन पहले वॉश कर लेंगे तो ज्यादा देर स्टे करेंगे कर्ल्स. एंड कोई स्प्रे नहीं मैं यूज करती, क्योंकि स्प्रे के बाद जो है वो कर्ल्स उधर ही ठहर जाते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं कि कर्ल्स थोड़े लूज होते रहें. तो टाइम के साथ ये देखें लूज होते रहेंगे. एंड अगर आप स्प्रे यूज करना चाहते हैं, अगर आप इसी तरह इसको करना चाहते हैं, तो थोड़ा कर्लिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला होता है. उसके अलावा जो है ये देखें, बगैर स्प्रे के भी ये यू कैन सी.